वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन माय न्यू वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत यूज़फुल है आपके, अगर आप फार्मेसी में हो, आप बीएससी में हो, आप टेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, बट अगर आपको समझना हो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि फिज़िक्स एज वेल एज़ केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईएमआर का मतलब क्या होता है? ईएमआर का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। द रेडिएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट पूरा ईएमआर के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में वहाँ पे बात करेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। इसको रेडिएशंस भी बोलते हैं या फिर हम लोग इसको स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, आपको स्पेक्ट्रम भी समझ में आएगा। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बहुत यूज़ किया जा रहा है। इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एक बहुत ही छोटे से वीडियो में हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करूँ कि AMR एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें एक हमने बहुत सारी जो रेज हैं, बहुत सारी रेडिएशंस हैं, उनको हमने अरेंज किया हुआ है। अब अरेंज किया हुआ है तो अरेंज करने का कोई क्राइटेरिया होगा, तो क्राइटेरिया में हमने या तो वेवलेंथ के फॉर्म में अरेंज किया या फिर हमने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर हम लोग वेवलेंथ को बढ़ाते हुए बना रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी को घटाते हुए, तो आप आइदर ऑफ दी वे में इसको याद कर सकते हैं। अगर आप वेवलेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप सबसे छोटे असेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ के फॉर्म में लिख दीजिए, तो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होगा, बिकॉज दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? तो हमारा जी से शुरू हो रहा है और आर पे ख़त्म हो रहा है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, मैंने जब याद किया था इसको तो मैंने जो अपनी रेडिएशंस थी, जो रेस थी, उनके जो स्टार्टिंग वर्ड्स थे, फर्स्ट अल्फाबेट था, उनको कंप्राइज करके छोटा करके याद कर लिया था। तो दिस इज़ GXUVIMR, तो GXUVIMR। तो कितने हैं टोटल? 7 कंपोनेंट्स हैं, इजीली याद हो जाएगा। अब एक बार 2-3 बार रिकॉल करेंगे GXUVIMR, उससे आपको याद हो जाएगा। ये जो GXUVIMR का ऑर्डर है वो मेरा इंक्रीजिंग वेवलेंथ का है, मतलब कहने का कि गामा की वेवलेंथ सबसे कम होगी और बढ़ते बढ़ते रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अगर दूसरा तरीका देखा जाए तो इसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी और इनकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप एक तरीका याद कर लीजिए, आइदर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो मैंने इसको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर पे किया है, GXUVIMR। अब इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। जी मतलब गामा रेज, ये क्या होता है? एक्स रेज होती हैं। ये क्या होता है? यूवी अल्ट्रावायलेट रेस। ये क्या होता है? विजिबल। ये क्या होता है? इंफ्रारेड। ये क्या होती है? माइक्रोवेव्स। और ये लास्ट में क्या होता है? रेडियो वेव्स। आपको हर किसी का अगर यूज़ नहीं पता होगा अभी तक, कुछ के तो यूज़ पता होंगे, बट आज के इस वीडियो के बाद यू विल बी एबल टू मेक एंड अंडरस्टैंड सबके यूज़ क्या होते हैं। सो वी हैव 7 स्पेक्ट्रम में 7 बैंड्स हैं हमारे पास, 7 रेज हैं, 7 रेडिएशंस हैं, जो हमारा EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाती हैं पूरा। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम GXUVIMR, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड देन लास्ट में रेडियो वेव्स आता है। अब गामा रेज का यूज़ का, इसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो वेवलेंथ इसकी कम है, इसकी इससे ज़्यादा, विजिबल से ज़्यादा, इंफ्रारेड एंड फाइनली रेडियो की सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, विजिबल को हम लोग ने और एक पैरामीटर में और ब्रॉड कर देते, विजिबल जो हम लोग देख सकते हैं, जितने कलर्स हम लोग इस रेंज में हम लोग देखते हैं, दैट आर नोन एज विजिबल। बाकी के लिए, इनके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है इनको डिटेक्ट करने के लिए या इनको यूज़ करने के लिए, या इन रेज की मदद से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, विजिबल में कौन से कलर्स होते हैं? सबने 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज़ विबग्योर। विबग्योर मतलब जो रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, जो वाइट लाइट को आप अगर स्कैटर करोगे, स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट, तो आपको 7 कलर्स मिलते हैं। दीज आर ऑल विबग्योर, जिसमें इसका मतलब क्या होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज एंड रेड। दिस इज विबग्योर। अब ये देखोगे रेड के बाद में क्या आ रहा है? इंफ्रारेड और यूवी
वॉयलेट से पहले है, तो अल्ट्रा वॉयलेट, वॉयलेट से अल्ट्रा, जो वॉयलेट से पहले और रेड के बाद है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट में अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाते कि विजिबल में वी पहले आएगा कि आर पहले आएगा, तो वी विल बी पहले अगर वेवलेंथ के फॉर्म में, अल्ट्रा वॉयलेट के पास वी रहेगा और इंफ्रारेड के पास आर रहेगा, तो विबग्योर इस तरीके से रहे। तो ये दो आपको अगर निमोनिक्स याद हो जाते हैं, जी एक्स यू वी आई एम आर एंड विबग्योर, तो आप इजीली आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझ सकते हैं। अब फटाफट से इनके यूजेस देख लेते हैं। गामा रेज का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? आपकी कैंसर सेल ट्रीटमेंट में, जब कैंसर सेल्स में आजकल हम लोग रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी की जगह जो रेडिएशन वाली थेरेपी होती है, इन दैट कैंसर सेल्स में गामा रेज, अल्फा रेज, गामा रेज को यूज़ किया जाता है। सो कैंसर्स में आजकल बहुत ज़्यादा रेडियोथेरेपी में यूज़ होता है ये। एक्सरे का आपको पता है, वीगो स्केलेटन, स्केलेटन क्या है, एंडोस्केलेटन, स्केलेटन का अगर हम लोग को पिक्चर फ्रेम करना होता है तो सबसे ज़्यादा एक्सरेज हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विच कैन पास फ्रॉम दी बॉडी, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को पास करके सीधे हमारे स्केलेटन की अगर पिक्चर इमेज करनी हो, इमेजिंग करनी हो, वी गो फॉर एक्सरेज। यूवी आजकल प्योरीफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग यूवी के थ्रू हम लोग क्वांटिफिकेशन, हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं सैंपल का, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। और आजकल यूवी का हम लोग, आप देखते हैं आरओ यूवी, जो यूवी होता है, यूवी रेज जो होती हैं वो बैक्टीरिया वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो आजकल के हमारे जो वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं उसमें यूवी वगैरह आपको इजीली मिल जाता है। और अगर केमिस्ट्री की बात करें, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस किया जाए तो उसमें ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। सिमिलर वे में विजिबल रेज को भी यूज़ करते हैं। हमें अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस करना है किसी कलर्ड कंपाउंड का, वी गो फॉर विजिबल रेज। विजिबल रेज को हम लोग इम्पार्ट करा के वहाँ पर उसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं। यूवी विजिबल का आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आता है, या तो आपका यूवी का आएगा ये विजिबल, बट दोनों का बनाने से आपका स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक के कंपाउंड वेवलेंथ वाले जितने भी कंपाउंड से स्क्रीनिंग होगी या सैम्पलिंग होगी, आप यूवी विजिबल के थ्रू कर सकते हैं। तो आजकल के जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो एनालाइजर्स होते हैं वो यूवी और विजिबल दोनों के रेज के लिए बैंड को बढ़ा के चलते हैं, ताकि वी कैन यूज देम, यूटिलाइज देम फॉर बोथ। कोई कंपाउंड अगर यूवी विजिबल दोनों में आ रहा है तो दोनों को इजीली एनालाइज किया जा सकता है। फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में हम लोग आईआर में हम लोग केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम लोग के फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करना हो कि हमारे फंक्शनल ग्रुप, हमारे कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो उसके बैंडविड्थ और हम लोग ट्रांसमिटेंस की मदद से हम लोग इंफ्रारेड के थ्रू कर सकते हैं, इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स का आपको होम यूज़ भी पता है कि आपके जो घर में माइक्रोवेव अप्लायंस है, दैट वर्क्स ऑन माइक्रोवेव्स, जो आपको थ्रू आउट इनसाइड टू आउटसाइड वाली हीटिंग प्रोवाइड करता है। साथ साथ अगर केमिस्ट्री की बात करें तो दिस मेथड हैज़ कम आउट टू बी अ वेरी एफिशिएंट मेथड। बहुत ही कम टाइम में आपके जो एक एक घंटे या दो दो घंटे के रिएक्शन को उनको मिनट्स में या सेकेंड्स में कम्प्लीट कर देता है यूजिंग माइक्रोवेव्स। तो दिस इज़ वेरी एफिशिएंट मेथड। आपका माइक्रोवेव लॉ हाई हीट में भी कम करता है, एंड देन इट कैन ईजिली मे सिंथेसाइज कंपाउंड इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पर हम लोग माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हैं। लास्ट में हमारा रेडियो वेव्स है, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। आपका जो AM और FM वगैरह जो चलता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलता है। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो हम लोग को NMRs वगैरह में रेडियो वेव्स का देखने को मिल जाता है यूज़। तो दिस इज़ लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसके सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी रेज हैं, रेडिएशंस हैं, सबके यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, स्पेक्ट्रम को पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स के एनालिसिस पार्ट में या फिर केमिस्ट्री के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो कितने यूटिलाइजेशन है, तो मोर द यूटिलाइजेशन मोर इम्पैक्टफुल ये टॉपिक बन जाता है। तो अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक समझ आ रहा हूँ कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं, और उनको एक हमने एक असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करके रखा है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। सबसे छोटी वेवलेंथ गामा की, सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो की। इस तरीके से इसके कंपोनेंट्स आप याद कर लेंगे और इसके बाकी बैंड्स को याद कर लेंगे। तो अगर आपका बेसिक सा क्वेश्चन कोई बोर्ड्स में आ रहा है या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई और उसके यूज़ को आप बता सकते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। इसके ऊपर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस होता है इन EMR को यूज़ करके, इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट वाली स्टडी है, उसको मैं किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करूँगा। अभी के लिए सिर्फ मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं EMR के, स्पेक्ट्रम के, और कौन कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पर अरेंज्ड हैं और सबके एप्लीकेशन क्या है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में बनाऊँगा उसको मैं शेयर कर दूँगा।
सो टिल देन आई होप ये वाला वीडियो आपको इजीली क्लियर हो गया होगा एंड यू मस्ट बी अवेयर. अब आपको इजीली आपको GXU VIMR के बारे में पता चल गया होगा और आप इसको रिलेटेड कोई भी बेसिक क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली आंसर कर पाएंगे. सो फॉर नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड टिल देन टेक केयर. थैंक यू.